Now again another C program based on binary to hexadecimal conversion means how to converting given binary number into equivalent hexadecimal values. इस केस में अगेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जस्ट मैं टू स्टेप्स में कंप्लीट कराऊंगा. सबसे पहले परफॉर्म करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, देन डेसिमल कन्वर्जन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा अगेन रिजल्टेंट डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कराएंगे इनटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल. वन मोर थिंग, बाइनरी नंबर को रीड करोगे एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे और वी कैन से स्ट्रिंग. तो इसके इसमें इनपुट किस फॉर्म में रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सेम एज में हेक्साडेसिमल वैल्यू भी स्टोर किस फॉर्म में कराऊंगा, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स. तो इसके इसमें इनपुट किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्म में. आउटपुट भी किस फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में. मीन से इसके इसमें रिटर्न टाइप क्या लेंगे फंक्शन का, कैर स्टार. इसमें सारे के सारे ऑपरेशन फंक्शन के फॉर्म में इंक्लूड करो. फंक्शन नेम यूज करें इसके इसमें बाइनरी टू हेक्स, बिन टू हेक्स. इसके इसमें परफॉर्म क्या होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन प्लस इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड होगा, बाइनरी नंबर. मीन्स बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई बी लाइक दैट. जस्ट इसके इसमें परफॉर्म क्या कराना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर अवेलेबल है, इस बाइनरी नंबर के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट, मीन्स जनरली देखा जाए तो किसी भी बाइनरी नंबर को डायरेक्टली भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है लाइक दैट. अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर अवेलेबल लाइक दैट 101011, दिस इज द बाइनरी नंबर. अगर आपके पास बाइनरी नंबर अवेलेबल देन जनरल वे में या मैनुअल वे में बात करें तो जस्ट 4-4 डिजिट्स के पेयर्स क्रिएट करा के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल. तो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट क्या है, 2. इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट क्या आएगा, जस्ट दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 11. और 11 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होता है, बी. तो उसके इसमें इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आएगा, 2 बी. लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आप इस टाइप से कन्वर्जन परफॉर्म करा दें, इसके इसमें कई सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे. इस आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड. इसलिए मैं सिंपल वे में प्रोवाइड करने के लिए जस्ट परफॉर्म करेंगे सबसे पहले बाइनरी टू, बाइनरी मीन्स बेस टू. कन्वर्ट किसमें कराएंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. डेसिमल मीन्स बेस 10. जो भी डेसिमल में रिजल्ट आएगा डेसिमल को अगेन फर्दर कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल मींस बेस 16. मींस फाइनल केस में कन्वर्जन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा, 2 स्टेप. फर्स्ट केस बाइनरी टू डेसिमल, सेकंड केस डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. क्लियर लाइक दैट. इस टाइप से ऑपरेशंस कंप्लीट कराएंगे. तो सबसे पहले मींस बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कंप्लीट करा चुका हूं. सिमिलरली सेपरेटली किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ. क्लियर मींस दोनों ही ऑपरेशन कंप्लीटेड है. जस्ट सेम ऑपरेशन अगर फिर से मैं कंप्लीट करूँ, मीन दोनों को कंबाइंड करना, नथिंग एल्स. सबसे पहले इनपुट किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्म में. तो सबसे पहले रिजल्ट को किस फॉर्म में स्टोर कराओ, डेसिमल. डेसिमल में स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम इंटीजर और लॉन्ग वेरिएबल डी. डेसिमल को मैं रिप्रेजेंट किससे कराऊँ, डी से. यदि इनिशियल वैल्यू है 0 प्लस डेसिमल में कन्वर्ट करें बाइनरी के केस में पावर क्या होगा, इसे मैनेज क्या करेंगे, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2 लाइक दैट. फॉर एग्जांपल्स सपोज मैं एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करूँ इसको, जिससे आपके लिए ईजिली समझना पॉसिबल. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सम बाइनरी नंबर एज 101011. दिस इज अ गिवन बाइनरी नंबर. इसको कन्वर्ट किस में कराना, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल. लेकिन हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्जन है क्या, नॉट पॉसिबल. सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, डेसिमल कन्वर्जन देन हेक्साडेसिमल मींस बेस 16. सबसे पहले मैं परफॉर्म क्या कर रहा हूँ, बेस 10 कन्वर्जन. तो बेस 10 के रिस्पेक्ट में जो भी बाइनरी इनपुट्स है, बाइनरी इनपुट आपके पास अवेलेबल किस फॉर्मेट में, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर एरे के केस में इनिशियली बाइनरी डिजिट्स क्या है, 3 डिजिट्स. उस केस में लास्ट डिजिट क्या है, जस्ट नल. कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 0, 1 0 1 1, देन टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर. इंडेक्सिंग आर 0 1 2 3 4 5 6. तो सबसे पहले आप इसके साथ परफॉर्म करा हुए जो भी बाइनरी डिजिट्स हैं 1 by 1 राइट टू लेफ्ट रीड करें. तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले रीड क्या हुआ, कैरेक्टर 1, इंडेक्स क्या इसका 5, कैरेक्टर 1. लेकिन 1 के केस में मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ, 2 दी पावर 0. लेकिन 1 के प्लेस पर, कैरेक्टर के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ 1 का आस्क वैल्यू, विच इज 49. तो इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किससे करा हुआ, आस्क वैल्यू ऑफ 0. तो फाइनल इस केस में
देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको टू दी पावर एन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसके में फाइनली एक्सप्रेशन क्या है, वन, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, फोर्थ इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, लाइक दैट. तो इसके में जस्ट इसको एक्सेस करने का वे क्या होगा, बी ऑफ आई. बी ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या करेगा, बाइनरी कैरेक्टर्स. इन डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट किससे कराएंगे, जीरो से. एवरी टाइम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, पावर ऑफ टू. तो टू के पावर केस में पावर मैनेज करने के लिए जस्ट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, टू दी पावर जीरो विच इज वन. नेक्स्ट केस में मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, टू दी पावर वन विच इज टू. नेक्स्ट टाइम टू दी पावर थ्री विच इज इक्वेलेंट टू, सॉरी, टू दी पावर टू इक्वेलेंट टू फोर. देन टू दी पावर थ्री मीन्स एट. टू दी पावर फोर मीन्स सिक्सटीन. टू दी पावर फाइव मीन्स 32. इस टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म कराएं तो फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू मीन्स फर्स्ट टाइम पी में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वन. तो पी का इनिशियलाइजेशन कैसे कराएं, वन से. नेक्स्ट टाइम वन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टू से. तो नेक्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू. नेक्स्ट टाइम अगेन इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा, फोर. नेक्स्ट टाइम टू से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, एट. देन अगेन एट को टू से मल्टीप्लाई करें, सिक्सटीन. देन 32, लाइक दैट. इस टाइप से परफॉर्म क्या करें, इससे पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, पी. प्लस इंडेक्सिंग को मैनेज करने के लिए फर्स्ट टाइम लास्ट डिजिट का इंडेक्स रीड करें, देन प्रीवियस, देन प्रीवियस. मीन्स राइट टू लेफ्ट एरे को ट्रेवर्स करने के लिए इटरेटिव वेरिएबल यूज करेंगे, आई. देन फाइनली जब डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा तो डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कराओ, और हेक्सा डेसिमल रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर कराएं, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे. तो हेक्सा डेसिमल रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, एरे ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग. इस केस में एरे का टाइप में यूज करा जाए स्टैटिक कैर, हेक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँ जस्ट एच से. साइज लिए मैंने इसका जाए मैक्सिमम साइज है समथिंग 10. आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो. देन फर्स्ट केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. ये कन्वर्जन मैं कई बार आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में. तो सबसे पहले आई के केस में आसान क्या कराएंगे, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स. और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन. इसलिए आई में क्या आसान करा हुए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लेंथ कैलकुलेट करें बाय यूजिंग रेडीमेड फंक्शन एस टी आर एल एन. लेंथ किसका रिक्वायर्ड है, बाइनरी एरे बी का, देन माइनस वन. तो करेंटली अगर इस केस में बात करें, क्रिएट क्या होगा, वेरिएबल आई. क्रिएट क्या हो, वेरिएबल आई, वेरिएबल पी एंड वेरिएबल डी. टोटल थ्री वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं फॉर दिस पर्पज. देन आई के केस में इनिशियलाइजेशन किसी को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लेंथ क्या है इसका, सिक्स. सिक्स माइनस वन इज फाइव. तो आई का वैल्यू क्या चुका है, फाइव. पावर में फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या रिकॉर्ड है, वन. तो पावर को किससे इनिशियलाइज करेंगे, वन के साथ, कॉमा पी इक्वल्स टू वन. प्लस डेसिमल में ऑलरेडी क्या समझ चुका है, जीरो. तो डी का वैल्यू क्या, करंटली जीरो. क्लियर. देन इस टाइप से ऑपरेशन में लूप राइट टू लेफ्ट चलेगा. देन कंडीशन क्या रहेगा इस केस में, लूप कब तक चलाना है, इस फर्स्ट टाइम पी का आई का वैल्यू क्या, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, देन जीरो. जैसे ही आई का वैल्यू माइनस वन हुआ, देन इमीडिएटली लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करें. तो लूप कब तक चलाना, जब तक आई का वैल्यू जीरो से बड़ा है. क्लियर. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. एवरी टाइम आई मीन्स राइट टू लेफ्ट टू इटरेट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा. इसलिए आई के केस में रिक्वायर्ड क्या होगा, डिक्रीमेंट बाई वन. और पी के केस में एवरी टाइम जो पी का एग्जिस्टिंग वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे कराया, टू से. अगेन नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कराया, प्रीवियस वैल्यू को, टू से. तो करंट वैल्यू क्या है, फोर. फोर को अगेन टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू. तो पी के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई टू. क्लियर. देन फाइनली रिजल्ट किस में स्टोर कराएंगे, डी के अंदर. डी के केस में रिजल्ट स्टोर कराने के लिए डी के एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड क्या कराएंगे, रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशंस, रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशंस. क्लियर. तो डी का करंट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो. प्लस एक्सप्रेशन क्या है, बाइनरी एरे बी ऑफ आई इक्वल्स टू आई माइनस. इसको जीरो से सब्ट्रैक्ट करने का पर्पज क्या है, बी ऑफ आई में जस्ट स्टोर किया कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स को डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट सब्ट्रैक्ट कैसे कराओगे, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो. देन मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, टू दी पावर एन. और पावर किसके फॉर्म में मैंने जोड़ा, पी के थ्रू, वेरिएबल पी के थ्रू. स्टेप मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, पी से. जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन के इसमें कंडीशन का फॉल्स होगा, जब आई का वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस वन हो चुका है, प्लस पी का वैल्यू क्या हो चुका होगा, समथिंग 32 और 64, लाइक दैट. डजंट मैटर. डी का वैल्यू क्या चुका, डी में फाइनली आसान क्या चुका है, डेसिमल वैल्यू ऑफ गिवन बाइनरी. सो बाइनरी के रिस्पेक्ट में डेसिमल वैल्यू की बात करें तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या है, टू दी पावर 32. 32 प्लस दिस इज 8 प्लस 8 की बात क्या है, जस्ट 3. मीन्स 2 प्लस 1 इज 3. डायरेक्टली मैंने राइट डाउन किया, 3 10 3 13 कैरी इज 1
3 प्लस 1 इज 4, मींस ये बाइनरी किसका था 43 का, तो फाइनली डेसिमल का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो चुका होगा 43, फर्स्ट टाइम डेसिमल की केस में क्या था 0, 0 के बाद क्या आया होगा 1, नेक्स्ट टाइम 1 प्लस प्रीवियस नेक्स्ट 1 प्लस 2 इज, नेक्स्ट टाइम इसका वैल्यू क्या हो चुका होगा 3, नेक्स्ट टाइम 3 के बाद 3 प्लस 8 इज 11, 11 का सम किससे हुआ होगा नेक्स्ट 32 से, 11 प्लस 32 इज 43, तो करंटली डेसिमल में क्या स्टोर है 43, तो आपके पास अभी तक अवेलेबल क्या चुका है डेसिमल कन्वर्जन, क्लियर, डेसिमल के केस में वैल्यू क्या है 43, अब डेसिमल को कन्वर्ट किस में कराना है अगेन हेक्सा डेसिमल, नेक्स्ट टाइम आपको लॉजिक से प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन, तो करंटली बाइनरी नंबर क्या एंटर हुआ था गिवन बाइनरी 101011 इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है 43 इन द फॉर्म ऑफ बेस 10 एंड अवेलेबल बेस क्या था बेस 2 कन्वर्ट किसमें कराना है बेस 16 क्लियर नेक्स्ट टाइम करेंटली जो भी रिजल्ट है रिजल्ट किसमें स्टोर है वेरिएबल डी के फॉर्म में इसे यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ मीन्स डी के केस में आपका रिजल्ट क्या स्टोर है करेंटली 43 क्लियर ओनली रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आपके पास डी नेक्स्ट टाइम अगेन इस 43 को जस्ट कन्वर्ट किस में कराना है डेसिमल में तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रिजल्ट आएगा एवरी टाइम रिजल्ट किस में स्टोर करा हुआ है एरे एच के अंदर मीन्स एग्जैक्ट डेसिमल एरे एच इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन नेम क्या इसका एच तो एच के रिस्पेक्ट में जब असाइनमेंट परफॉर्म तो नेक्स्ट टाइम अगेन फर्स्ट टाइम इस केस में सिंपली परफॉर्म क्या कराना जो भी नंबर है आपका 43 करेंटली स्टोर किस में वेरिएबल डी के अंदर तो डी का करंट वैल्यू क्या 43 इसको डिवाइड किससे करेंगे 16 से डिवाइड करने पर जस्ट 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32 और 43 को 32 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन इस केस में जस्ट रिमाइंडर क्या आएगा 11 और 11 के प्लेस पर हेक्सा डेसिमल डिजिट क्या रिक्वायर्ड होगा आपको याद हो हेक्सा डेसिमल जस्ट डिजिट्स क्या है 0 टू 9 एंड A टू F A B C D E F जस्ट A के प्लेस पर रिप्लेस मीन्स A किसको रिप्लेस करेगा 10 इज रिप्लेस्ड बाई A सिमिलरली 11 इज रिप्लेस्ड बाई B 12 इज रिप्लेस्ड बाई सी 13 इज रिप्लेस्ड बाई डी 14 सिमिलरली 15 क्लियर तो करेंटली आपके पास रिजल्ट क्या है 11 रिमाइंडर क्या है 11 तो 11 के प्लेस पर हेक्सा डेसिमल डिजिट एक्सपेक्ट हो रहा है बी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं लॉजिक्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या था टू अगेन 16 को 2 को 16 से डिवाइड करें तो नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या आएगा इस केस में 0 रिमाइंडर क्या आएगा 2 तो 2 के केस में 2 ऑलरेडी हेक्सा डेसिमल डिजिट का पार्ट है तो इसके लिए आपको कोई कन्वर्जन करने की नीड नहीं है इस केस में डी का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या था 43 सेकंड टाइम डी का वैल्यू क्या होगा 2 नेक्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या होगा 0 जैसे डी का वैल्यू 0 हो चुका है इसका मतलब क्या कंप्लीटली हेक्सा डेसिमल वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट क्या हुआ था बी तो इसे एरे में फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है बी सेकेंड टाइम 2 लेकिन जस्ट ये अभी अवेलेबल किस फॉर्म में रिवर्स ऑर्डर में आपको रिक्वायर्ड क्या है मीन्स इसका इक्विवेलेंट हेक्सा डेसिमल क्या आएगा बी टू और टू बी टू बी तो इस केस में जस्ट रिक्वायर्ड क्या होगा रिवर्स ऑपरेशन जब जो भी आपके पास एरे एच है इसको रिवर्स कराओगे तो इस प्लेस पर क्या जाएगा 2 इस प्लेस पर क्या जाएगा बी और रिवर्स कराने से जस्ट पहले इस प्लेस पर आसान क्या कराएंगे कैरेक्टर नल तो इस केस में नेक्स्ट इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्रामेटिकली आप राइट डाउन क्या करोगे फॉर लूप फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्या है एरे का 0 तो इसलिए आई में क्या आसान करना है इंडेक्स है 0 प्लस ये ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म होंगे जब तक डी का वैल्यू 0 से बड़ा है मीन्स 43 0 से बड़ा था ट्रू 2 0 से बड़ा है ट्रू लेकिन 0 0 से बड़ा है क्या फॉल्स तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा व्हाइल डी इज ग्रेटर देन 0 एवरी टाइम डी के केस में परफॉर्म किया और डी में फर्स्ट टाइम क्या था 43 नेक्स्ट टाइम 43 को 16 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या है 2 2 अगेन किस में आसान हुआ डी में तो नेक्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या होगा डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई 16 आई के रिस्पेक्ट में इंडेक्सिंग एवरी टाइम इंक्रीज होगा तो आई के रिस्पेक्ट में यूज क्या करेंगे आई प्लस प्लस क्लियर नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर हेक्सा डेसिमल में आसान कराने के लिए यूज क्या करेंगे एच ऑफ आई इक्वल्स टू जस्ट हेक्सा डेसिमल डिजिट्स आर पॉसिबल डिजिट्स क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन ए बी सी डी ई एफ देन इस प्लेस पर पास क्या करोगे
रिमाइंडर, रिमाइंडर 11 आया था ना, 11 का इंडेक्स क्या है इस केस में, 11 किसका इंडेक्स है, 11 इज इंडेक्स ऑफ बी, तो इस केस में रिट्री क्या होना चाहिए, बी, तो इस प्लेस पर राइट डाउन क्या करोगे, डी मॉड्यूलो 16, क्लियर, देन आपको कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, फाइनली इससे परफॉर्म क्या हो जाए, जस्ट मैं इसका पूरा एग्जीक्यूशन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगेन फ्रॉम बिगिनिंग, इन दैट केस फर्स्ट टाइम इनिशियली डी के केस में डी का वैल्यू क्या है, जस्ट 43, वैल्यू ऑफ डी इज 43, 43 को फर्स्ट टाइम डिवाइड किससे कराना, 16 से, तो सबसे पहले इस केस में एक वेरिएबल क्रिएट हुआ आई, आई के केस में करंटली आई का वैल्यू क्या, वैल्यू ऑफ आई इज जस्ट 0, आई के केस में इनिशियलाइजेशन केस हो रहा है 0 से, डी ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू क्या है 43, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन इस केस में एक और एनो नियम से स्ट्रिंग क्रिएट हुआ और एनो नियम से एरे क्रिएट हुआ, एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने 16, इज द इंपॉर्टेंट केस, इसलिए मैं इसके लिए कंप्लीट डायग्राम शो कर रहा हूं, इस केस में कैपेसिटी क्या इसका 16, क्लियर, फर्स्ट वन इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एड्रेसिंग 100, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, क्लियर, देन स्पेस पर कैरेक्टर्स क्या स्टोर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑलरेडी मैंने आपको पॉइंटर्स के केस में एक्शन किया है, अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस एन है देन उसी लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करने का वे क्या हुआ स्टार एन, जब भी किसी एड्रेस के लिए एस्ट्रिक अप्लाई करो तो एस्ट्रिक के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस, सेम केस इस केस में अप्लाई करें, इसका मीनिंग ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एनो नियम इस एरे, जब भी आप कोई एरे यूज करते हो एरे के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100, तो इसका जस्ट लॉजिकल मीनिंग क्या है इट इज इक्वलेंट टू 100 ऑफ डी मॉड्यूलो वाई 16, क्लियर, देन अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ए ऑफ आई, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इसका कन्वर्जन क्या होता है पॉइंटर कन्वर्जन क्या स्टार ए प्लस आई, रिप्लेस क्या हुआ ए प्लस आई, तो करेंटली इस केस में ए के प्लेस पर क्या आएगा ए के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ मीन से दिस इज द एक्सप्रेशन इज 100 प्लस 100 ऑफ आई और आई के प्लेस पर क्या है डी मॉड्यूलो 16, तो इस केस में एवरी टाइम ऑपरेशन क्या हुआ 100 प्लस डी मॉड्यूलो 16, दिस इज इक्वलेंट टू गिवन एक्सप्रेशन इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100 प्लस डी मॉड्यूलो 16, फर्स्ट टाइम अगर बात करें कंडीशन ट्रू और डी का करंटली वैल्यू क्या 43 जब 16 से डिवाइड हुआ तो उसके साथ रिमाइंडर क्या आएगा 11, इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100 प्लस 11, देन स्टार 100 में 11 ऐड कराओ रिजल्ट क्या आएगा स्टार 111, क्लियर, स्टार से रिप्लेस क्या हुआ वैल्यू ऑफ 111, चेक करो इस केस में 111 के केस में इस लोकेशन का एड्रेस क्या हुआ 111 और इस प्लेस पर वैल्यू क्या स्टोर है बी, तो फाइनली स्टार इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करेगा कैरेक्टर बी, कैरेक्टर बी होना भी चाहिए था क्योंकि इस केस में जस्ट 16 को 43 से डिवाइड करो तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 11 और 11 के केस में 11 के प्लेस पर आपको रिक्वायर्ड क्या 11 और हेक्साडेसिमल डिजिट बी, हेक्साडेसिमल डिजिट बी मैंने जो एनोनिमस एरे प्रोवाइड किया उस केस में करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है एक्चुअल हेक्साडेसिमल डिजिट, इस केस में गिवन डायरेक्टली इंटीजर नंबर साइन करके इसका इक्विवेलेंट एलिमेंट वैल्यू साइन करो तो एलिमेंट क्या है बी और बी किसमें साइन हो जाएगा एच ऑफ आई में आई का वैल्यू क्या है जीरो, जीरो इंडेक्स में कॉपी किया जाएगा जस्ट बी, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डी के केस में डी का 16 से डिवीजन होगा तो डी की वैल्यू क्या है इस केस में डिवीजन के बाद 16 से डिवाइड करने के बाद डिवीजन क्या आया था 2, तो इसलिए डी का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट वैल्यू ऑफ डी बिकम्स 2, तो नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग 2 ग्रेटर देन 0 एच ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है 1, अगेन सेम केस फिर से इंप्लीमेंट करेंगे इस केस में रिमाइंडर क्या आया है रिमाइंडर इज डी का वैल्यू क्या करंटली 2, तो नेक्स्ट टाइम डिवीजन किसका हो रहा है इस केस में 2 का, तो 2 को 16 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर भी क्या आएगा ऑल्सो 2, 100 प्लस 2 बिकम्स 102, तो इस केस में वैल्यू किसका रिप्लेस होगा 102 का और 102 में कैरेक्टर क्या है 2, मीन रियल में रिमाइंडर 2 किस में था डिजिट्स के फॉर्म में और रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है आपको कैरेक्टर, तो आपको क्या मिला इस केस में कैरेक्टर 2 किस में आसान हो जाए एच ऑफ 1, तो इस प्लेस पर जस्ट कॉपी क्या हो जाएगा 2, देन अगेन डी को
मीन्स डी का वैल्यू क्या 2 टू 16 से डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 और आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट वन फाइनली अगेन चेक क्या हुआ कंडीशन टेस्टिंग। जब कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशन के रिस्पेक्ट में आप चेक करो करेंटली डी का वैल्यू क्या है 0। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन बिकम फॉल्स। कंट्रोल जब बाहर आएगा उसका मतलब क्या मीन्स हेक्साडेसिमल एरे के अंदर आपको आसान क्या कराना है जस्ट नली सिस्टम को टर्मिनेट करनी नीड है। इसलिए एच ऑफ आई आई का वैल्यू करेंटली क्या है वैल्यू ऑफ आई इज 2। मीन सेकेंड इंडेक्स में कॉपी क्या कराओगे जस्ट कैरेक्टर एज नल। इस प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा कैरेक्टर नल। इसके जस्ट बाद आपको एक्स मीन्स अवेलेबल वैल्यू क्या बी टू जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या 2b तो रिक्वायर्ड क्या हो रिवर्सिंग दिस एरे। इस एरे को रिवर्स कराने की जरूरत होगी। रिवर्स कराने के लिए कॉल क्या कर लेंगे एस टी आर आर ई वी फंक्शन स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। इसके लिए आपको इंक्लूड करना होगा स्ट्रिंग डॉट एच जस्ट इसमें पास क्या करोगे हेक्सा डेसिमल एरे एच। जब इसके कंटेंट्स रिवर्स हो जाएंगे तो इस प्लेस पर क्या जाएगा 2 और 2 के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट बी देन रिटर्निंग रिजल्ट। और रिजल्ट किस एरे में स्टोर है हेक्साडेसिमल एरे एच। इसलिए रिटर्न क्या कराओगे एच। दिस इज द कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गिवन फंक्शंस। देन जस्ट इसके लिए मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। मेन के केस में कुछ भी नया नहीं है अगेंस्ट सेम केस। मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट लॉजिक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ वॉइड मेन। जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इनपुट में क्या रिक्वायर्ड होगा बाइनरी स्ट्रिंग। तो बाइनरी स्ट्रिंग के कंटेंट्स को स्टोर कराने के लिए एरे क्रिएट कर रहा हूँ बी विद मैक्सिमम साइज समथिंग 33। क्लियर। नेक्स्ट वन इसके अलावा रिजल्ट में भी रिटर्न क्या होगा पॉइंटर। तो पॉइंटर को स्टोर कराने के लिए मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ पॉइंटर नेम एस एस। इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज़ क्या कर रहे हैं इसके इसमें जस्ट स्कैन एफ। और स्कैन एफ के थ्रू इनपुट किस फॉर्मेट में रीड कराना है जस्ट बाइनरी। बाइनरी के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या होना चाहिए रीड क्या होना चाहिए ओनली 0 एंड 1। तो ये फंक्शन डेटा कब तक रीड करेगा जब तक 0 और 1 फाउंड हो रहा है। जैसे कोई इनवैलिड बाइनरी डिजिट फाउंड होगा इमीडिएटली रीड करना स्टॉप करके देन ये रीडिंग कंटेंट कॉपी किस में जाएंगे गिवन एरे बी। देन इसके जस्ट बाद आप कॉल क्या कराओगे बाइनरी टू बिन टू हैक्स सप्लाई क्या कराएंगे इसके इसमें बाइनरी एरे बी। देन फाइनली रिजल्ट किस में एच में। तो एच का वैल्यू एच में क्या स्ट्रिंग का एड्रेस। इसलिए स्ट्रिंग को पुट्स फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली डिस्प्ले कराना पॉसिबल है।